नमस्कार, मैं हूं अजीत आनंद। आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। यूपी में डेंगू वायरल से अब तक 100 से ज्यादा मरीजों ने तोड़ा दम। केवल फिरोजाबाद जिले में ही 75 की मौत। मथुरा जिले में बुखार का कहर, 15 दिन में 11 बच्चों सहित 17 लोगों की मौत। आज सिद्धार्थ शुक्ला का हुआ अंतिम संस्कार, तेज बारिश के बीच उमड़ी फैंस की भीड़। कोरोना की डेल्टा के बाद अब दो नए वेरिएंट्स ने बढ़ाई मुसीबत, WHO ने किया आगाह। 19 वर्षीय अवनी ने रचा इतिहास, दो पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी। स्वदेश लौटने पर पदक वीरों का हुआ जोरदार स्वागत, टोक्यो पैरालंपिक खिलाड़ियों ने कहा ये ऐतिहासिक पल। घरेलू हिंसा मामले में यो हनी सिंह हुए कोर्ट में पेश, जज कर रही हैं सिंगर और पत्नी की काउंसलिंग। टोक्यो पैरालंपिक बैडमिंटन में उत्तराखंड के मनोज सरकार की धूम, सेमीफाइनल में पहुंचे, कांस्य पदक पक्का। यूपी के औरैया में निकला खजाना, खेत की खुदाई करते समय निकले सोने के सिक्के, उर्दू में लिखा है तारीख। मेरठ में राज स्नेह के निदेशकों के आवास पर CBI की छापेमारी, फर्जी कागजों पर करोड़ों का लोन लेने का मामला। मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत में जुटेंगे कई राज्यों के किसान, सरकार के खिलाफ उठाएंगे कई बड़े मुद्दे। यूपी के मेरठ में बदमाशों की तलाश में विशेष अभियान, बड़ी संख्या में लिसाड़ी गेट पहुंचे पुलिस अधिकारी, मचा हड़कंप। मुनव्वर राणा को नहीं मिली राहत, गिरफ्तारी पर रोक से हाई कोर्ट का इनकार, प्राथमिकी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए सेंसेक्स निफ्टी, उच्चतम स्तर पर खुला था शेयर बाजार। पंजाब में सुखबीर सिंह बादल की रैली में किसानों का प्रदर्शन, पुलिस पर भी पथराव, 200 पर केस दर्ज। मुंबई के एंटीलिया केस में NIA ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट, मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली थी विस्फोटक से भरी कार। वेस्ट बंगाल की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का मामला पहुंचा कलकत्ता हाई कोर्ट, CM ममता को जल्द चुनाव की उम्मीद। तालिबान के संस्थापक सदस्य मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को मिलेगी तालिबान सरकार की कमान, शेर मोहम्मद अब्बास और मुल्ला याकूब को भी मिल सकती है अहम जिम्मेदारी। न्यूजीलैंड में आतंकी हमला, ISIS के जिहादी ने चाकूबाजी करके 6 लोगों को किया घायल, 3 की हालत गंभीर, पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। फिर लौट रहा रात का कर्फ्यू, तो कहीं क्वारंटीन होना जरूरी, महाराष्ट्र और केरल में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले।